Welcome to Govardhan Institute, guys. So here we are for the solution of the question number 34. So what's the question? So once again, it's an operator question. But right now, यहाँ पे कुछ mix operators, जैसे कि आप देख सकते हो कि increment decrement operator and logical operators. So we need to find out the output of this. So let me try to solve each operator one by one. So guys, हमारे पास total variables कितने? So we have ijk. We have I, J, K, three variables we have. I की value -3 है. J का value मेरे पास okay. Let me firstly create all this variables. So total चार variables मुझे M में answer चाहिए. I का value -3, K का value 2, J का value 0 and M is. We have to find out them. But देखिए यहाँ sequence थोड़ा change किया confuse करने के लिए. K पहले लिखा है, J बाद में लिखा है. तो सबसे पहले मैंने काम क्या किया? मैंने sequence change कर. Now finally, what is the equation? Equation is m equal to plus plus I and plus plus j or k, sorry, plus plus k. And now you need to print all this. Cos and d and I, j, k, m. Ye charo cheeze mujhe print karna. So that's the question. But now first thing, how this logical and illogical or works? तो इससे लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था लॉजिकल एंड कैसे काम करेगा. लॉजिकल एंड में एक्चुअली एक से ज्यादा कंडीशंस और आप बोल सकते हो कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं. सो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड ऑनवर्ड्स. बट नाउ हाउ दिस वर्क, इफ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट विल स्विच टू द सेकंड स्टेटमेंट. इफ बोथ ऑफ दिस आर ट्रू इट रिटर्न्स ट्रू. इफ बोथ ऑफ दिस आर ट्रू इट रिटर्न्स ट्रू. लेट मी रिपीट, लॉजिकल एंड कैसे काम करेगा. बहुत सारे स्टेटमेंट्स को आप कंबाइन कर सकते हो सिंगल स्टेटमेंट में. बट हाउ इट वर्क्स, सो वर्किंग उसका सिंपल सा है कि पहला स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो सेकंड स्टेटमेंट पे जाएगा. इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू इट रिटर्न्स ट्रू. बट हियर द मीनिंग ऑफ ट्रू इज नॉन जीरो वैल्यू. सो इफ द फर्स्ट वन इज नॉन जीरो, सेकंड वन इज नॉन जीरो, देन इट रिटर्न्स 1. बट इफ आइदर ऑफ देम आर जीरो, आइदर ऑफ देम आर जीरो, देन इट रिटर्न्स 0 एक्चुअली. नाउ व्हाट अबाउट लॉजिकल ओर? नाउ सेम कॉन्सेप्ट्स गाइस, यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट फॉर द लॉजिकल ओर. यू कैन कंबाइन मोर देन वन स्टेटमेंट्स. बट हियर हाउ इट वर्क्स, इफ आइदर ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, लेट मी रिपीट हियर. लाइक इसमें अगर कोई एक फॉल्स है, लेट मी रिपीट. लेट मी सबसे पहले मैं सबको फॉल्स कर देता हूँ. सो अगर कोई एक भी फॉल्स हुआ तो लॉजिकल एंड आपको फॉल्स दे देगा. बट दैट इज नॉट इन अ केस ऑफ, लॉजिकल ओर. अगर कोई एक भी ट्रू हुआ वो ट्रू देगा लॉजिकल. और कोई एक भी ऑपरेंड ट्रू हुआ, जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग. लाइन नंबर 18, बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू. लाइन नंबर 19 एंड लाइन नंबर 20, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू था, यहाँ पे सेकंड ऑपरेंड ट्रू है, तो मुझे ट्रू मिलेगा. सो लॉजिकल और कैसे काम करेगा? एक बंदे ने भी काम किया इट रिटर्न्स ट्रू, वो सेकंड चेक भी नहीं करेगा. लॉजिकल एंड सब कुछ चेक करेगा, सब कुछ ट्रू आ रहा है तो ट्रू. बट हियर ट्रू मींस यू कैन से दैट ट्रू मीन्स, सो इनपुट की बात कर रहे हैं. सो इनपुट में ट्रू मीन्स एनी नॉन जीरो वैल्यू. ओके, एनी नॉन जीरो वैल्यू. फॉल्स मीन्स इट इज जीरो. बट व्हाट अबाउट आउटपुट? आउटपुट में ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स इट इज जीरो. मतलब मैं आउटपुट मतलब लॉजिकल एंड लॉजिकल और के आउटपुट की बात कर रहा हूँ. ओके, सो दैट्स दैट. सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, नेचर पता चल गया, हाउ इट वर्क्स. नाउ लेट मी स्टार्ट दिस. तो हमारा m इक्वल्स टू क्या सीक्वेंस दिया हुआ है? m इक्वल्स टू प्लस प्लस i एंड प्लस प्लस j. बाकी का बाद में देखते हैं. नाउ हाउ दिस लॉजिकल एंड वर्क्स? लॉजिकल एंड सबसे पहले पहला स्टेटमेंट इन शॉर्ट इसको एग्जीक्यूट करेगा प्लस प्लस i को. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस i? द वैल्यू ऑफ i इज -3. नाउ ऑब्जर्व वन थिंग, प्लीज नोट डाउन वन थिंग. आप जो प्लस प्लस i की बात कर रहे हैं गाइस, वो प्लस प्लस आई प्रीफिक्स है. प्रीफिक्स का मतलब पहले वैल्यू अपडेट होगा. मतलब आपका इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगा, पहले आपको प्लस प्लस आई अप्लाई करना है. द वैल्यू ऑफ आई इज -3, यू नीड टू कंसिडर -2. नाउ जस्ट चेक इज इट जीरो और नॉट. बट ऑब्वियसली अगर नॉन जीरो है तो लॉजिकल एंड का नेचर क्या है? अगर ये नॉन जीरो है देन लॉजिकल एंड का नेचर क्या है? वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेगा. ओके, आई का वैल्यू अब हो चुका है -2. फाइन, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेगा, दैट मींस प्लस प्लस जे. नाउ चेक, प्लस प्लस जे इज प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स? इट इज प्रीफिक्स. तो पहले जे का वैल्यू अपडेट होगा. द वैल्यू ऑफ जे इज 0, नाउ इट इज राइट नाउ 1.
it is right now 1. So now this one will work. Okay, now this equation. Okay, let me add last equation. Iske baad mere paas last mein kya tha? Or plus plus k. Or plus plus k. Here also or plus plus k. Sorry. Now how this one works? और यहाँ पे और प्लस प्लस के कंसेप्ट करके था सब कुछ. अब मुझे ये बताए अब ये भाई सब कैसे वर्क करने वाले. माइनस टू एंड वन. सो माइनस टू एंड वन वो था नॉन जीरो. इट रिटर्न्स नॉन जीरो. नॉन जीरो मतलब वन. तो मुझे वन रिटर्न हो चुका. ओके नाउ गाइस हाउ दिस वन वर्क्स. लॉजिकल और का कामकाज क्या था. इफ फर्स्ट स्टेटमेंट रिटर्न्स ट्रू. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू तो सेकेंड स्टेटमेंट वर्क ही नहीं करने वाला. सो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी. एम की वैल्यू वन. और ये प्लस प्लस के वाला स्टेटमेंट गाइस रन ही नहीं होगा. क्यों रन नहीं होगा. बिकॉज लॉजिकल एर का नेचर क्या है. लॉजिकल और का नेचर क्या है. लॉजिकल और का नेचर था कि सर अगर फर्स्ट पार्ट ने फर्स्ट ऑपरेंट ने फर्स्ट स्टेटमेंट ने वर्क कर लिया मतलब और वो नॉन जीरो दे रहा है देन सेकंड पार्ट विल नॉट एग्जीक्यूट. सो के की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के. सो के का वैल्यू जो ओरिजिनल था वो एज इट इज रहेगा. सो दैट विल बी टू. ओके एंड व्हाट अबाउट एम. एम विल बी एक्चुअली वन. And will be one. So, जब आप प्रिंट करोगे योर आंसर इज माइनस टू वन टू वन. माइनस टू वन टू वन दैट इज द राइट आंसर एक्चुअली. सो लेट मी चेक विच ऑप्शन. सो ऑप्शन इज ए. ऑप्शन ए माइनस टू वन टू वन. लेट मी रिपीट माइनस टू वन टू वन. आई होप दैट्स क्लियर. इफ यू हैव एनी डाउट गाइज आप रिपीटेड वीडियो को थोड़ा पोज करिए. खुद से सॉल्व करने की ट्राई करिए. दो तीन बार देखिए. यू विल गेट द परफेक्ट आंसर. ओके यू विल गेट द परफेक्ट आंसर. सो दैट्स दैट फॉर दिस वीडियो. इफ एनी डाउट्स यूट्यूब पे लिख सकते हैं. इंस्टा पे लिख सकते हैं. फॉलो करिए. सब्सक्राइब करें. शेयर करें. दैट्स इट. गुड बाय. हैव अ नाइस डे.